हेलो दोस्तों, मैं सुधीर कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। तो दोस्तों, ये जो बैच है हमारा एमएस एक्सेल का बैच, बिल्कुल शुरू से आज फर्स्ट डे से स्टार्ट हो रहा है। प्रिंस मधुसूदन जी हमारे साथ ऑनलाइन जूम पे जुड़ने वाले हैं, तो आप लोग भी देख सकते हैं कि कैसे हम जूम से क्लासेस लेते हैं। और साथ में जो लोग रिकॉर्डेड सेशन चाहते हैं वो मेरे वेबसाइट iptindia.com से जा सकते हैं लाइव सेशन के लिए, और मेरा मोबाइल ऐप से जा सकते हैं मेरे रिकॉर्डेड सेशन के लिए। तो मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के लिए जस्ट एक्सेल एडवांस ट्रेनिंग प्ले स्टोर पे सर्च कीजिए और आप आ जाइएगा। क्या आपको वहां पे मेरी आईपीटी एक्सेल स्कूल का लोगो आ जाएगा, ऐप को डाउनलोड कीजिए। इस ऐप के अंदर में हमारे स्टोर, इसके अंदर आप स्टोर में जाएंगे तो स्टोर में बहुत सारे कोर्सेज है, जिसमें हमारा एमएस एक्सेस का भी है। जी हाँ, एमएस एक्सेस का कोर्स भी है और ये बहुत ही लो प्राइस पे है, मात्र 600 रुपीज का आपको पड़ेगा आफ्टर द डिस्काउंट। ये हम 2500 का सेल करते थे जो हमारी पेन ड्राइव सेल होती थी, बट ये आप बेच रहे हैं सिर्फ 601 में। 46 वीडियोज है इसमें, एक्सेल इसमें एक्सेस का पार्ट है, इसमें टेबल्स हैं, क्यूरीज हैं, सिक्वल है, और इसके अंदर में आपको VVA का ही पार्ट है कि VVA कैसे यूज किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मसूद जी आ गए हैं, मैंने उनको अलाउ कर दिया है, अब वो बस ज्वाइन करने वाले हैं। तो प्लीज जी, मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं और हम बात कर रहे हैं एमएस एक्सेल की। और प्रिंस जी, आज की जो सेशन है रिकॉर्ड हो रही है, होल्ड करेंगे सर, एक सेकंड होल्ड करेंगे सर। ओके ओके, तो सबसे पहले हम जानते हैं एमएस एक्सेस का आखिर यूज क्यों होता है, क्यों एमएस एक्सेस इस्तेमाल करते हैं। तो एमएस एक्सेस जो है हर जगह पे, हर सर आपके बैकग्राउंड में शोर आ रहा है, तो आप अनम्यूट कर देंगे तो बेहतर रहेगा। पूछा होगा तो अनम्यूट कर देंगे। सबसे पहले इस बात पे जानते हैं कि एमएस एक्सेस की जरूरत कहाँ पे पड़ती है, क्यों एमएस एक्सेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हम एमएस एक्सेस की बात करें, सबसे पहले एक डेटाबेस है, ये जान लीजिए कि एमएस एक्सेस एक डेटाबेस है, जैसे SQL होता है, Oracle होता है, लेकिन उस लेवल का नहीं है। तो ये जो बनाया गया है SME, शॉर्ट मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए बताया गया है। शॉर्ट मीडियम इंटरप्राइजेस जो है, मतलब कि छोटे मोटे लोग हैं जिनके पास डेटा कम होता है, क्योंकि एक डेटाबेस की मैक्सिमम जो साइज है वो 2 GB रखी गई है। तो इसमें किस तरह का डेटाबेस क्रिएट की जाती है, तो बताने से अच्छा है कि इसमें बहुत सारे टेम्पलेट दिए हुए हैं, वो टेम्पलेट क्या मैनेज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने स्टूडेंट को ही ले लिया, तो एक बना बनाया हमको स्टूडेंट का डेटाबेस यहाँ मिल जाता है, इसको टेम्पलेट बोलते हैं। ये हर एप्लीकेशन में होता है, आपके एमएस एक्सेल में भी है, एक्सेल में भी मिलेगा, वर्ड में मिलता है, बने बनाए टेम्पलेट। बने बनाए टेम्पलेट से फायदा ये होता है कि हमें अगर हम लर्निंग पीरियड में होते हैं तो हमें पता चलता है कि आखिर इससे किस तरह का चीज बन सकता है। तो एमएस एक्सेस जो होता है एसएमई के लिए होता है, शॉर्ट मीडियम इंटरप्राइजेस के लोगों के लिए होता है, जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर को यूज ना कर सके। अब देखिए, पूरा बना हुआ है प्लेटफॉर्म सर यहाँ पे, गेट स्टार्टेड क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपके डेटाबेस के टेबल्स है, यहाँ पे क्यूरीज है, यहाँ पे फॉर्म्स है, यहाँ पे रिपोर्ट्स है, और इसमें माइक्रो भी पीवी प्रोग्रामिंग भी इस्तेमाल किया गया है। जैसे सबसे पहले आता है स्टूडेंट लिस्ट, आप यहां से स्टूडेंट लिस्ट नया क्रिएट कर सकते हैं, ये फॉर्म है, जिसे क्रिएट करेंगे चला जाएगा। आपको आपको दिखना है, डिटेल दिखना है, तो यहां से आप किसी भी पर्सन का फिल्टर लगा के स्टूडेंट लिस्ट या कुछ भी देख सकते हैं। तो ये बना बनाया एक तरह से सॉफ्टवेयर की तरह होता है, इसका यूज आप कर सकते हैं। एक सॉफ्टवेयर की तरह हो सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो आप जो है इसमें, अब इसमें सॉफ्टवेयर की बात समझ लीजिए, क्योंकि ये आपको टेम्पलेट क्रिएट करता है, इसको सॉफ्टवेयर कहना गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये टेम्पलेट क्रिएट करता है।
क्योंकि सॉफ्टवेयर तो होता है जिसको हम इंस्टॉल करते हैं, डबल क्लिक करके इंस्टॉल करते हैं, बट इसके तो फाइल्स होते हैं। जी हाँ, जैसे एक्सेल की फाइल होती है, वर्ड की फाइल होती है, उसी तरह से इसके भी फाइल होती है। तो एक तरह से आपका टेम्पलेट इसको कहना सही रहेगा, लेकिन इसको सॉफ्टवेयर की तरह हम मॉडिफाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास नॉर्मल की चीजें भी है, नॉर्मल डेटा भी है, इसमें डेटा ले सकते हैं, इसमें हम क्यूरी, नॉर्मल क्यूरी, सिक्वल क्यूरी दोनों कर सकते हैं, इसमें हम नॉर्मल फॉर्म और बीबीए फॉर्म दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। तो एक तरह से ए टेम्पलेट की तरह सॉफ्टवेयर की तरह वर्क करता है, इसको टेम्पलेट कहा जाता है। ये ईमेल कंपनी फर्स्ट नेम लास्ट नेम, वो पहला टेबल जो खोले थे सर, तो वहीं से लिंक है यहाँ पे क्या? जी हाँ, ये सब लिंक होता है सर, यहाँ डालेंगे तो वहाँ। जी हाँ, मैं वही चीज आपको समझाने वाला हूँ कि क्या होता है, कितने पार्ट एक्सेस में। एक्सेस में बेसिकली चार पार्ट होते हैं। पहला होता है टेबल, टेबल इसको हम स्प्रेडशीट भी कह सकते हैं, एक्सेल की सीट की तरह भी कंपेयर कर सकते हैं, जहां पे आपका डेटा स्टोर होता है। इसे देखिए, स्टूडेंट डेटा, ये आपका डेटा स्टोर हो रहा है। जी, तो ये अब इसमें हम मैनुअल भी टाइप कर सकते हैं या फिर हम स्टोर कर सकते हैं इससे भी। जी, जैसे कि जो आपका स्टूडेंट का जो डेटा होगा ना, यहाँ पे फॉर्म बना होगा स्टूडेंट लिस्ट। जी, जी। स्टूडेंट लिस्ट से यहाँ पर हम जो टाइप करेंगे, जैसे यहाँ पे हम जो है कुछ भी यहाँ टाइप करेंगे, वो सारी चीजें इस टेबल में स्टोर हो जाएगी। जी जी, समझ गए? जी, इसको बोला जाता है फॉर्म। फॉर्म को हम बोल सकते हैं इंटरफेस। क्या बोल सकते हैं? इंटरफेस। जी जी, तो पहला जो पार्ट होता है वो होता है आपका टेबल, जहां पे डेटा स्टोर होता है। अब डेटा यहाँ खुद स्टोर कर सकते हो या किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से इंपोर्ट भी कर सकते हो। अब जैसे इंपोर्टिंग में क्या चक्कर है, अब जैसे कि ऐसे नहीं, मतलब कि जो छोटे मोटे लोग हैं उसका इस्तेमाल इसको एज ए सॉफ्टवेयर करते हैं, लेकिन जो बड़ी कंपनियां हैं जी, उसके पास तो ऑलरेडी खुद के सॉफ्टवेयर होते हैं, तो फिर वो डेटा खुद के डेटाबेस, ऑरिकल है, सैप है, आना है, बहुत सारे उनके पास डेटाबेस होते हैं, तो वो लोग भी हम एक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि उनको जो है एक डेटा डाउनलोड करके उस पर एनालिसिस करना है, और डेटा जो है मान लीजिए 20 लाख लाइन ऑफ द रो का डेटा है, तो एनालिसिस के लिए मोस्टली लोग यूज करते हैं एमएस एक्सेल डेटा। अब एमएस एक्सेल डेटाबेस 20 लाख डेटा तो कैरी नहीं करेगा ना, क्या सर? तो उस केस में क्या करेंगे कि उस डेटा को एक्सेस पे होल्ड कराएंगे, एक्सेस में उसको डिफरेंट की के हिसाब से फिल्टराइज करेंगे, और फिर उस की वाले डेटा को एक्सेल पे इंपोर्ट करके देन मेक द समरी। कौन सा डेटा को सर? एक कंपनी है उसके पास ऑलरेडी एक डेटाबेस है, सैप डेटाबेस, उसने 2020 का पूरे ऑल ओवर इंडिया का सेल्स एनालिसिस करता है कि किस सिटी में किस प्रोडक्ट का क्या सेल हुआ, क्या सेल नहीं हुआ। तो अब जो सैप से जो डेटा निकलेगा वो तो सेल्स का डेटा निकलेगा, पर इनवॉइसेस का डेटा निकलेगा। अब मान लीजिए कि वो डेटा अगर 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख या 10 लाख तक है, तो एक्सेल में डाउनलोड कर लेंगे और फिर थोड़ा सा स्लो चलेगा, फिर भी उस पर रिपोर्ट प्रोग्राम क्रिएट कर लेंगे। लेकिन मान लीजिए कि 2020 का उसके पास 20 लाख से ऊपर डेटा है जी। अब एक्सेल 20 लाख डेटा वो कैरी नहीं करता, एक्सेल का 2 या 3 लाख में ही बम बोल देता है, लेकिन 10 लाख तक की कैपेसिटी है, लेकिन 2-3 लाख में बम बोल देता है जी जी। तो मजबूर उसको जो रिपोर्ट बनानी है उसको तो एक्सेल पे बनानी है जी जी, क्योंकि उनको बहुत सारे लोगों को भेजना भी तो है जी जी। अगर रिपोर्ट बनाने के लिए कोई अलग टूल्स यूज करता है जी, तो वो फायदेमंद नहीं रहेगा जी, क्योंकि फिर वो डिफरेंट डिफरेंट लोगों को भेजेगा कैसे जी जी। तो वहां पे एक्सेस जो है एक मीडिएटर की तरह काम करता है जी जी। सैप से डेटा को हम एक्सेस के टेबल पे लेके आते हैं, फिर टेबल पे उस डेटा को सिटी वाइज या फिर प्रोडक्ट वाइज समरी में कंट्रीब्यूट करते हैं,
और फिर उस समरी को आप एक्सेल पे इंपोर्ट करते हैं एक्सेस से। तो एक्सेस एक मीडिएटर की तरह काम करता है। डेटा कौन दे रहा है? डेटा दे रहा है सैप। सैप से डेटा एक्सेस पे आता है। एक्सेस में डेटा छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ता है, छोटे छोटे समरी में बढ़ता है। फिर उस समरी को एक्सेल को देता है, एक्सेल उसको एक रिपोर्ट फॉर्मेट में एक रिपोर्ट तैयार करके फिर जिसको भेजना उसको भेज देता है। बात समझे? प्रिंसिपल समझ में आया? एक्सेल का रोल कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या होता है? हेलो, आवाज आ रही है आपको? तो एक्सेस का जो मेन आर्किटेक्चर होता है वो होता है चार पार्ट। पहला होता है टेबल, दूसरा होता है आपका फॉर्म। फॉर्म एक इंटरफेस होता है, मतलब कि फ्रंट होता है, और टेबल बैकग्राउंड होता है। हालांकि आप डायरेक्ट टेबल पे भी डेटा डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट टेबल पे डेटा नहीं डाल सकते, डाल सकते हैं, लेकिन हम फ्रंट यूज करते हैं इसको फॉर्म को, ताकि एक वैलिडेट डेटा हमारी एंट्री हो, और जो एंट्री कर रहा है वो जस्ट एक ही डेटा को छेड़छाड़ करे, बाकी डेटा को छेड़छाड़ ना करे। देन आती है क्यूरी। क्यूरी का काम होता है टेबल में से डेटा को अपने हिसाब से अलग करना। जैसे मान लीजिए कि ओवरऑल पूरे इंडिया का डेटा है, बट मुझे किसी को भेजना है सिर्फ दिल्ली का डेटा, तो टेबल के अंदर में हम फिल्टर लगा सकते हैं, लेकिन फिल्टर लगा के देख सकते हैं, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो मुझे इसमें से मान लीजिए टेबल जो ऑल ओवर इंडिया का डेटा है उसमें सिर्फ पर्टिकुलर दिल्ली का डेटा चाहिए, या दिल्ली के डेटा में कुछ और कैलकुलेट करके चाहिए, तो हम वहां पे क्यूरी इस्तेमाल करते हैं। क्यूरी क्या करता है? जैसा जिस तरह का फॉर्मेट में जो डेटा आपको चाहिए वो डेटा आपको अलग करके दे देता है, फिर उसको आप एक्सपोर्ट एक्सेल में कर लीजिए या नोटपैड में कर लीजिए, जहां एक्सपोर्ट करना है वहां कर सकते हैं, चाहे इसको आप वापस कहीं और यूज करना है तो कहीं और यूज कर सकते हैं। तो डेटा एक्सट्रैक्शन के लिए अपने हिसाब से, अपने वैलिडेशन के हिसाब से डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्यूरी का इस्तेमाल। उसके बाद डेटा अगर आपको एक रिपोर्ट फॉर्मेट में चाहिए, जैसे आप बैंक के स्टेटमेंट निकलते देखते होंगे, वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से जो स्टेटमेंट निकलते रहते हैं, तो उस तरह का मतलब कि आपको चाहिए रिपोर्ट फॉर्मेट में, तो हम रिपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो चार मेन होता है, और दो जो होते हैं, एक होता है माइक्रोस और दूसरा होता है आपका SQL क्यूरी, जो इसका सपोर्टिंग लैंग्वेज है। SQL क्वेरी का लैंग्वेज भी इसका सपोर्टिंग है, और आपको VBA प्रोग्रामिंग का भी इसमें इसका लाइन है सपोर्टिंग। अगर मैं Alt F11 प्रेस करूं तो इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग लिखी गई है वो प्रोग्रामिंग आप देख सकते हैं, जो प्रोग्रामिंग इसमें लिखी गई है देखिए, तो इसमें हम VBA का भी इस्तेमाल करते हैं। तो आपको समझ में आ गया सर कि इसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया प्रीत जी, कि एक्सेस का स्ट्रक्चर क्या है? एक्सेस का सर मतलब पर्पस ये है कि सर वो ज्यादा डाटा जो है, वो डाटा को मतलब अलग अलग एग्जीक्यूट करने के लिए सर। हाँ देखिए, पर्पस जो है पर्पस चेंज होते रहता है एज पर योर क्या बोलते कंपनी या वर्क एनवायरमेंट, कि आप एक्सेस का यूज किसके लिए कर रहे हैं जी। एक्सेस मान लीजिए कि एक छोटा दुकान है, तो पूरा का पूरा उसकी बिल्डिंग और पूरा का पूरा उसके हर चीज मेंटेन करने के लिए एज ए सॉफ्टवेयर की तरह काम होता है जी। एक एमएनसी में जाते हैं तो वहां एक्सेस एक एज ए मीडिएटर काम करता है जी जी जी। एक एमआर एग्जीक्यूटिव की बात करें तो एक्सेल में कुछ चीज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कुछ ऐसे फीचर होते हैं जो काफी लेंदी होते हैं या होते ही नहीं है, वो एक्सेस के जरिए उसको डन करवाते हैं जी जी जी। सपोर्टिंग की तरह काम करता है, मतलब क्लियर करता है जी। जैसे कि मान लीजिए कि आपके मतलब सपोर्ट किया जाता है जी। जैसे मान लीजिए ना कि आप हेल्प एंड सपोर्ट में वर्क कर रहे हैं, तो आप क्या एक ईमेल आईडी, आपकी जो कंपनी की इन्फो वाली ईमेल आईडी है या कंपनी कस्टमर केयर वाली ईमेल आईडी है, अब आपको रिसर्च करना है
कि सबसे ज्यादा किस टाइटल से, किस लाइन ऑफ टाइटल से आपको कंप्लेन किया गया है। अब वो प्रॉब्लम क्या है कि कंप्लेन का डेटा आपके मेल में है, आउटलुक में, आपको कोई सा डेटाबेस नहीं है। आउटबुक तो कैसा, तो प्रॉब्लम क्या है? हाँ, जैसे कि आपके पास मेल्स आए हुए, आपके पास इनबॉक्स में मेल्स आए हुए, तो आपको ये देखना है कि आपके पास किस सब्जेक्ट से ज्यादा मेल आया। जी जी जी, एक कौन से सब्जेक्ट में कॉमन वर्ड क्या है आपको इस पर एनालिसिस करना है। तो सबसे पहले एक डेटाबेस तैयार करना होगा ना कि आपके इनबॉक्स में कौन कौन से मेल आई डी है, क्या सब्जेक्ट लाइन से है, कब भेजा गया, पूरा डेटाबेस होना चाहिए ना। जी जी जी, अब ये चीज एक्सेल तो नहीं ला सकता, बट आउटलुक, आउटलुक के जरिए एक्सेस में आ जाता है। जी जी जी, जब एक्सेस में आ गया तो एक्सेल में आ जाएगा। जी, इस तरह के काम होते हैं हम इस्तेमाल करते हैं एक्सेस। सर ये मतलब जैसे कि एक्सेस में जो सॉफ्टवेयर बनता है, एक्सेस में जो टेम्पलेट बनता है सर, उसको मतलब बड़ा कंपनी में भी यूज किया जा सकता है सर। आपको हमने बोला ना कि कंपनी कंपनी भी यूज करती है, छोटी कंपनी भी यूज करती है। जी, बड़ी भी कर सकती है, छोटी भी। इसमें सर डाटा जो स्टोर होता है वो अनलिमिटेड रहता है सर, उसका एक लिमिट रहता है? नहीं, लिमिट होता है 2 GB। 2 GB डेटा तक इसमें स्टोर हो सकता है। जी, इसलिए मैं शुरुआत में बोला कि एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट ने जो एक्सेस बनाया है वो बनाया है SME, शॉर्ट मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए। जी जी, शॉर्ट मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए, ठीक है ना, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए। तो जो बड़ी कंपनियां भी यूज करती है, लेकिन मेडिएटर के रूप में या फिर सपोर्ट के रूप में। जी, समझ गए। जी जी, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि इसका डेटाबेस जो है फाइल के तरह आपके सिस्टम में होता है। जी, उसको कहीं भी मूव, इजिली कॉपी किया जाता है, मूव किया जा सकता है। जी जी, एक्सेल फाइल की तरह क्या डिलीट किया जा सकता है। जी जी, इसलिए कंपनीज अगर मान लीजिए कि बड़ी बड़ी कंपनीज है, अगर उसको एक्सेस फाइल या डेटाबेस यूज करेगी, सबसे पहले तो मल्टी पीसी पे वर्क सही से नहीं करेगा। जी जी, दूसरा है डेटा सिक्योर नहीं होगा, तीसरा है जल्दी फुल हो जाएगा। जी, तो आपको सीखने का पर्पस क्या है, आप अपना पर्पस बताइए। मेरा सीखने का पर्पस ये था सर, इसमें जो वो टेम्पलेट क्रिएट होता है, जैसा कि कल बात किए थे हम सर, तो वो मतलब एक अच्छा अच्छा डिजाइन का टेम्पलेट क्रिएट करके किसी भी मतलब ये बिजनेस पर्पस में यूज किया जा सकता है सर। देखिए, कंपटीशन तो काफी टफ है। अगर आप ऐसा बोल रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए एक दुकान में आप बेचना चाहते हैं, तो दुकान में ऑलरेडी एंड्रॉइड का बना हुआ एप्लीकेशन, खाता बुक हो गया, ओके क्रेडिट हो गया, ओके अटेंडेंस हो गया, ओके स्टाफ हो गया, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। अगर आप मेडिसिन में जा, मेडिकल शॉप में जाते हैं, तो मेडिकल शॉप में खुद का बना हुआ सारा चीज है। अगर आप जाते हैं FMCG में, मतलब कि जो जो FMCG है ना, जो मॉल वगैरह होते हैं, दुकान वगैरह होते हैं, तो उनके पास ऑलरेडी सेल्स फोर्स होता है। तो सर ये तो सब अब बात है कि आप किस टाइप के हिसाब से उसको मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता सर। हाँ, तो यही बात कर रहा हूँ। अगर कोई ऐसा बंदा है जो कि पूरा का पूरा काम करना चाहता है, सिस्टम से करना चाहता है, उसको अपने हिसाब से करना चाहिए, तो आप उसके लिए बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए कंपटीशन का सामने वाला कंपटीशन काफी टफ है। और दूसरी चीज, इसमें आपको अच्छी बड़ी डीपली नॉलेज चाहिए। फ्रीलांसिंग अगर करते हैं तो आपको डीपली नॉलेज चाहिए होगी। वैसा इसलिए बोला कि एक कंपनी अगर ज्वाइन करते हो, तो कंपनी की जो है, अगर पहले से अगर एक्सेस पे काम कर रहा है, तो उसके बाद सब कुछ बनाओ, बस आपको उसको ऑपरेट करना है, और कभी महीने, 2 महीने, 3 महीने, साल भर तक की जरूरत पड़ी तो उसके लिए टेम्पलेट क्रिएट करना होगा। जी जी, किसी कंपनी के लिए काम करते हैं तो तो अगर कंपनी का ये काम भी करते हैं, तो उसकी रिक्वायरमेंट लिमिटेड होती है। जैसे एक मान लीजिए सिक्योरिटी कंपनी है, सिक्योरिटी कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट लिमिटेड है, जो रिक्वायरमेंट उसी अकॉर्डिंग आपको काम करना है। जी जी, लेकिन अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं, तो हर लोगों की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। जी जी जी, पहली चीज। दूसरी चीज, हर कोई जो है वो सिस्टम है कंप्यूटर से फैमिलियर नहीं होता है। जी जी,
तो अगर आप बनाते हैं तो आपको कुछ इस तरह से बनाना पड़ेगा कि हर कोई उसको यूज करे। जी जी जी, चाहे उसको कंप्यूटर आता हो या उसको कंप्यूटर नहीं आता हो, हर कोई इसको यूज करे। और हर लोगों की अपनी अलग प्रॉब्लम होगी, मतलब हर कस्टमर के साथ आप अलग डील करेंगे। जी जी जी, अलग प्रॉब्लम फेस होगी, तो इस पे आपको बनना होगा एक्सपर्ट। जब आप एक्सपर्ट होंगे तभी आप इस तरह की प्रोजेक्ट को ले पाएंगे। ये सर कैसे एक्सपर्ट इसमें हो सकते हैं? अब एक्सपर्ट बनने के लिए आपको टाइम देना होगा। जी जी, टाइम तो सब दे देंगे। पूरा दिन सर रहते हैं सर ऑफिस में, तो शाम में तो टाइम दे सकते हैं ना सर, 2-3 घंटा? हाँ, तो मैं आपको दे रहा हूँ कि मेरी कोर्स पढ़ने के बाद, ऐसा नहीं कि मैंने आपको 2 महीना पढ़ा दिया और 2 महीने में आप एक्सपर्ट हो जाए। मैं आप गलत बात नहीं करूंगा, मैं सही बात बोल रहा हूँ। 2 महीने में आप जानेंगे एक्सेस को कैसे यूज करना है, क्या करना है, वो अगले 6 महीने से साल भर लगेगा जब आप 8-10 प्रोजेक्ट करेंगे। जी जी जी, तो 8-10 प्रोजेक्ट आपको खुद से जरूरी आपको मिलेगा, आपको खुद से रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। आप जैसे मान लीजिए कहीं गए, अब जैसे मान लीजिए कि आप कहीं जाते हैं तो आपने देखा कि यार इसके लिए इस तरह का सॉफ्टवेयर हो सकता है। आपने मान लीजिए कि किसी डॉक्टर के पास नहीं गया तो पेशेंट्स के आपने देखा होगा, फिर आपने देखा कि यार ये पेशेंट्स के लिए उनके पास एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए पेशेंट मेंटेन करने के लिए। जी जी, क्या तो आपने उसके काम को जाना समझा और आपने उसके लिए अपने घर पे अपना रिपोर्ट प्रोजेक्ट तैयार कर दिया। समझ गया ना? तो आप ये जरूरी नहीं है कि डॉक्टर बोलेगा कि मेरे तैयार को, लेकिन आपको एक्सपर्ट बनना है तो प्रोजेक्ट तो चाहिए आपको, तो आपको खुद से जो है करीब 10-15 प्रोजेक्ट तैयार करना है और फ्री में ही देना पड़े तो आपको दे सकते हैं। अब ओके क्रेडिट देख लीजिए, खाता बुक देख लीजिए, लोग फ्री में दे रहे हैं ना सर शुरुआत में, तो आपको शुरुआत में जो है बनाने पड़ेंगे। जब आप 10-30 प्रोजेक्ट बना लेंगे देन आपको कॉन्फिडेंस आएगा, देन आप पेड प्रोजेक्ट उठा सकते हैं। जी जी, तो इसके लिए आपको साल भर का टाइम तो लग जाएगा सर। जी, इसके लिए आपको 6 महीने से साल भर का टाइम लग जाएगा सर। जी जी, इसमें सर एक एक कोडिंग में सर आप बताएंगे कि क्या क्या कैसे कैसे कोडिंग होता है, कौन सा फंक्शन के लिए क्या यूज होता है? देखिए इसमें इसमें वीवी के कोडिंग होता है, एसक्यूएल के कोडिंग होता है, कोडिंग पार्ट इसमें ज्यादा नहीं है, ज्यादा पार्ट होता है इसकी डिजाइनिंग होती है, इसकी मैक्रोज होती है, इनबिल्ट मैक्रोज होती है। जी जी, कोडिंग भी होती है इसकी, वीवी प्रोग्रामिंग भी होती है, सिक्वल भी होती है, वो पार्ट भी आपको मैं समझाऊंगा। जी जी, अच्छा सर इसमें